सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया गया है हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और ये रेवाड़ी जाके ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सिंगल ट्रैक है, ये देख सकते हैं। और दो सबसे बड़ी हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजनाएं, एक तो EDFC और दूसरा ये RRTS निकल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब का नज़ारा आप देख सकते हैं कि क्या ही नज़ारा होगा यहाँ का। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये देखो, ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का है जो बनाया गया है। कुछ महीना पहले मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था, तब ये ट्रैक नहीं बिछाया गया था पटरियाँ, लेकिन अब ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक इन पर इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वो नहीं लगाई जा चुकी है। देखो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन वो उधर ओवरहेड इक्विपमेंट तो लगा दिए जा चुके हैं दोनों साइड में, देख सकते हैं। ये देखो ओवरहेड इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लेकिन अभी इन पे ओवरहेड वायरिंग का काम नहीं किया गया है। और वो उधर जो ब्रिज चमक रहा है वो है इंडियन रेलवे का दोस्तों। ये इंडियन रेलवे क्रॉस कर रही है जो जा रही है मेरठ के अंदर, मेरठ मुरादाबाद बरेली इधर निकल जाएगी ट्रैक। आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल बन के कम्प्लीट, सही बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं कब इस पर डबल डेकर मालगाड़ियाँ दौड़ने लग जाएंगी, क्योंकि आपको बता दूं ये महाराष्ट्र के महात्मा गांधी पोर्ट से सामान आएगा और ये हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी में जाकर ये खला दिया जाएगा और वहीं से भर दिया जाएगा। क्योंकि दादरी में ये इसलिए यहाँ पर ट्रैक बिछाया गया है क्योंकि दादरी में कंटेनर डिपो है दोस्तों, कंटेनर का बहुत बड़ा डिपो है। तो इसी वजह से यहाँ दादरी में ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया गया। और देख सकते हो कि रेवाड़ी तक तो पूरा कंप्लीट है, रेवाड़ी से और आपका दादरी के बीच में नहीं था तो ये ट्रैक बिछाया गया। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अभी इधर भी खंभे लगाए जाने हैं, इधर या तो इसमें खंभा लगाया जाएगा या फिर यहाँ लगाया जाएगा, कहीं ना कहीं तो दोनों में से एक जगह पर लगाया जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि दो हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजना जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी, जोड़ती हैं दोस्तों, देख सकते हैं। एक तरफ EDFC जाएगी, डबल डेकर मालगाड़ी गुजरेगी, और दूसरी तरफ ये दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर गुजरेगी दोस्तों। और देख सकते हैं अभी, क्योंकि लॉन्चर ये मोदी नगर की साइड में लगा दिया जा चुका है और वो अब लॉन्चर जोड़ता हुआ आएगा बायोडक्ट को। तो यही नज़ारे हैं यहाँ के दोस्तों, देखो कुछ ऐसा सीन है। और चलो मैं आपको रोड पर लेके चलता हूँ, फिर आप लोग देखना क्या कैसा नज़ारा है यहाँ का। चलो आपको दिखाते हैं और फिर आप लोग बताना कि क्या ही सीन है यहाँ का। देख सकते हो कि ट्रैक बिल्कुल बन के कम्प्लीट सही हो चुका है। और दोनों साइड का आपको नज़ारा दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा है यहाँ का। देखो ये वाहन आ रहे हैं और इधर बनाया जा रहा है, आपको बता दूं मेरठ साउथ का स्टेशन इस साइड में। देखो यहाँ पत्थर ही पत्थर आपको नज़र आएंगे और दोनों साइड में ये ट्रैक, क्योंकि अभी इस पर बस बायोडक्ट को रखना बाकी रह गया है लॉन्चर द्वारा, क्योंकि लॉन्चर द्वारा ही इस पर वर्क किया जाना है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है नज़ारा दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, वो लाइन जा रही है, ये मेरठ के लिए जा रही है इधर से। और आगे ही आपको पड़ेगा मेरठ साउथ का स्टेशन जो बनाया जा रहा है, आगे ही वहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। देखो ये है नज़ारा यहाँ का और ये इधर का नज़ारा है, ये मोदी नगर साइड का है, मोदी नगर मुरादनगर गाज़ियाबाद। और देखो लॉन्चर वो लगाया गया है वहाँ पर, क्योंकि सामने धूप पड़ रही है तो इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं चमकेगा। देखो वो लॉन्चर को स्टैंड कर दिया जा चुका है, अब ये
मेरठ साउथ में लेकर चलेगा स्टेशन की साइड में दोस्तों। तो इसी तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, काफ़ी टाइम हो चुका है और इस पर पेंट जो करने का काम चल रहा था उस टाइम पर जब मैंने आप लोगों को दिखाया था वो पेंट भी कर लिया जा चुका है, तो इसीलिए ये बिल्कुल अच्छे से चमक रहा है क्लियर करके। देखो ये सीन है यहाँ का, ये नज़ारे हैं दोस्तों। और वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो हमें नीचे कमेंट करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस में इंफॉर्मेशनल वाले आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हैं तस्वीर है आप लोग, क्योंकि अब ये लॉन्चर उधर लगा दिया जा चुका है, अब ये लॉन्चर द्वारा इस पर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करता हुआ बहुत तेज़ी के साथ में जाएगा दोस्तों। और फिर आप लोगों को कुछ दिनों के भीतर आप लोगों को और अपडेट आने के देखने के लिए मिलेंगे। तो आप केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो आपको बता दूँ इस साइड में बहुत ज़्यादा बगीचे ही बगीचे हैं आम के, दोनों साइड में आपको बाग देखने के लिए मिलेंगे। देखो दोनों साइड में ही बगीचे हैं और उसके बीच से ये डबल डेकल मालगाड़ी यहाँ से गुजरेगी, भाई साहब क्या ही नज़ारे होंगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और देख सकते हैं कि हमारे जो आने वाले भविष्यों को किस तरीके से सुधारा जा रहा है और बनाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ में टेक्नोलॉजी लाई जा रही है हमारे भारत के अंदर दोस्तों। ये देख सकते हैं तस्वीरें, बस यही सीन है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए भैया दोज को।